एक खबर, लखनऊ कोर्ट में चली ताबड़तोड़ गोलियां, मुख्तार अंसारी का करीबी। क्या था क्या? गैंगस्टर संजीव जीवा की दिन दहाड़े हत्या, वकील के बेस बदमाश। लखनऊ के कैसर बाग में पास्को कोर्ट के गेट पर वकील की ड्रेस में आए बदमाशों ने संजीव महेश्वरी जीवा को गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक बच्ची को भी गोली लगी। हमलावर वकील के ड्रेस में आए संजीव जीवा कृष्ण आनंद राय हत्याकांड में आरोपी था। वो मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। संजीव जीवा पर दिन दहाड़े कोर्ट कैंपस में गोली मारी गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लखनऊ कोर्ट कैंपस को लेकर बदमाशों के इस हमले से सनसनी फैल गई है। प्रयागराज हत्याकांड के करीब 4 महीने बाद इस हत्याकांड से सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि वकील के भेष में पहुंचे अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि एक अपराधी को पकड़कर पुलिस केसर बाग थाने ले आई है और घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बताई जाती है। संजीव जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। मुख्तार अंसारी मुन्ना बजरंगी और भाटी गैंग के लिए काम करता था। उसके खिलाफ 3 दर्जन से करीब मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में संजीव भाटी इस कदर शामिल था कि उसने तत्कालीन विधायक की गाड़ी पर चढ़कर AK-47 से ताबड़तोड़ 27 गोलियां बरसाई थी। इसमें कृष्णानंद राय समेत कई लोग मारे गए थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड में अभी मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों को सजा हुई है। क्या था क्या? पता नहीं, कोई गोली पूरी चला के चलाया है। भाग गया कि है? की गोली लगी पूरी, वो तो मर गया। भाग गया।